चेहरे पे मुहासों का धब्बा, ये एक ऐसी परेशानी है जो आपकी स्किन जितनी भी खूबसूरत हो लेकिन आपके मन को यह संकट में जरूर डाल देती है। आज हम आपको बताएंगे घर में रखी, आपके किचन शेल्फ में रखी वो चार चीज़ें जिसको आप मिला के 5 दिन के अंदर अपने स्कार को 80% ख़त्म कर सकते हैं और अपने चेहरे को वापस उसी कॉन्फिडेंस और चमक पर ला सकते हैं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, चेहरे पे दाग जिसके होते हैं वो कभी खुश नहीं रह सकता। ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसी समाज की मजबूरी अब बन गई है कि आपके चेहरे पे दाग है, धब्बे हैं, तो समाज आपको आपके इंटेलेक्ट होने के बावजूद आपको बरेता देना पसंद नहीं करता। जैसे वो टॉम क्रूज की पिक्चर एक हम लोगों ने बचपन में देखी थी, इफ लुक्स कुड किल, तो बचपन की बात है, पता नहीं उसके बाद से तो पिक्चर देखने के भी मौके बहुत नहीं मिले, लेकिन तो ये जो खूबसूरती है, जितनी किताबें लिखी गई वो खूबसूरती पे ही लिखी गई, जितनी शायरी हुई वो खूबसूरती पे ही हुई, और इसमें अगर एक दाग आपको चेहरे पे लग जाता है, आपके दाने आ जाते हैं, उसके स्कार रह जाते हैं, तो सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाती, चाहे आपकी स्किन जितनी भी गोरी हो, चाहे आपकी स्किन जितनी भी साफ़ हो, चाहे आपकी स्किन जितनी भी चमकदार हो, बल्कि वह दाग उसमें और दिखता है। तो आज हम आपको बताते हैं साथियों, घर में बनने वाला ऐसा अचूक नुस्खा जो आपके चेहरे पे कील मुहासों से हुए दागों को 2 से 4 बार लगाने पे कम कर देगा। बहुत ही अद्भुत नुस्खा है ये साथियों, और बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। इसमें समझिए, मैं कहूँगा आयुर्वेद का पूरा विज्ञान जो हमारे पुराने वक्त का है, वो सारा विज्ञान इन 4 कंपोनेंट्स में आ गया जो मिला के नुस्खा बनता है। बहुत आनंद की बात है साथियों, आपको इस नुस्खे के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आपको वो 4 चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो आपके घर में, ज़्यादातर घरों में मौजूद रहती है, और ये चारों को मिला के आप 5 दिन के अंदर 3 से 4 बार की एप्लीकेशन के अंदर अपने चेहरे के दाग को हल्का कर सकते हैं। आपको 1 चम्मच शहद लेना है, आपको 1 चम्मच नींबू का रस यानी लेमन जूस लेना है, आपको 1 चम्मच बादाम का तेल यानी कि आलमंड ऑयल लेना है, और आपको 2 चम्मच कच्चा दूध लेना है। पहली चीज हमने बोली शहद, दूसरी चीज हमने बोली, दूसरा इंग्रेडिएंट हमने बोला लेमन जूस, तीसरा इंग्रेडिएंट हमने बोला आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल, और चौथा हमने बोला मिल्क कच्चा दूध। इन चारों को आपको मिला लेना है। मिला के आपको जहाँ भी आपके एक्ने हो, और सिर्फ एक्ने ही क्यों, पूरे चेहरे पर, झाई वाई भी कुछ हो सकती है, पूरे चेहरे पर आपको इस पेस्ट को लगा देना है। इसको आपको आधा घंटा लगा रहने देना है, और आधे घंटे बाद आपको ठंडे पानी से धो लेना है। जब आपका इस तरह का एप्लीकेशन आप 4-5 दिन लगातार करेंगे, आप देखेंगे कि आपके चेहरे के सारे निशान 80% कम हो गए। जी हाँ, आप इसको करके देखिए, मैं समझता हूँ कि आपको फ़ायदा होगा, और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि क्यों फ़ायदा होगा, आखिर क्यों यह नुस्खा काम करेगा, क्या ऐसी खास बात है इसमें जो यह इतनी जल्दी आपको फ़ायदा देगा। शहद की साथियों बहुत बड़ी कैफियत है, एक आपको नहीं मालूम होगी, आज मैं जानकारी दे रहा हूँ, शहद में ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड होते हैं साथियों, और जब आपके स्किन में कोई एलर्जन होता है जिससे आपके निशान पड़ते हैं, तो यह हाइड्रोजन परऑक्साइड वहाँ पर वर्क करता है और आपके स्कैरिंग ऑफ टिश्यू को ख़त्म करके चेहरे को साफ करता है। इसके अलावा शहद ही एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 18 अमीनो एसिड्स एक साथ पाए जाते हैं। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल्स, तो अगर 18 अमीनो एसिड्स का नरिशमेंट आपको चाहिए तो सिर्फ एक कंपाउंड में मिल सकता है, वह है शहद। इसलिए शहद इस नुस्खे में काम करेगा। दूसरा कॉम्पोनेंट था साथियों लेमन, लेमन या नींबू इसलिए काम करेगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड HA होता है, और इसका pH बहुत ज़्यादा होती है, तो यह आपके वियर एंड टीयर को रिपेयर करता है। जब रिपेयरिंग हो जाएगी टिशू के स्कार की, तो टिशू ठीक हो जाएगा, स्कार ठीक हो जाएगा, तो
बहुत कारगर बात है लेमन का इस्तेमाल इस नुस्खे में। और बादाम के तेल यानी एलमंड ऑयल में विटामिन ई होता है। विटामिन ई साथियों स्किन की शाइन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो एक तरह से यह आपके इसके जो है वो फर्निशिंग का काम करके पूरा जो इंग्रेडिएंट है से फर्निशिंग फैक्टर जो है वो आपका एलमंड ऑयल है, आपकी स्किन को चमक लाता है। और मिल्क साथियों, मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है जो कि स्किन के वियर एंड टियर को ठीक करता है और आपकी स्किन में चमक लाता है। बल्कि मिल्क एक ऐसा फूड है जो कंप्लीट फूड है, WHO के द्वारा क्वालिफाइड, यानी हर इंग्रेडिएंट जो भी आपकी स्किन को चाहिए वो मिल्क में ज़रूर होगा। तो इस तरह साथियों आप इसका इस्तेमाल करें और हमको कमेंट पोर्शन में लिख के बताएं कि आपको इससे हफ्ते भर में क्या इफ़ेक्ट आया। हो सकता है किसी की स्किन की कैफियत है, क्वालिटी है, 5 की जगह 10 दिन लग जाए, लेकिन यह ओवरऑल पूरी स्किन के लिए आपके यहाँ नुस्खा बहुत अच्छा है। आप इसको ज़रूर करिएगा, चाहे आपके चेहरे पे निशान हो और चाहे ना हो, नहीं होंगे तो भी यह आपकी स्किन को चमकाने में मदद करेगा। इसको करिएगा साथियों, और मन में कोई क्वेरी आए तो हमें व्हाट्सएप करिएगा क्वेरी, कोशिश करेंगे आपकी बात का जवाब दें। वीडियो साथियों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए, आशीर्वाद बनाए रखने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।